भोली बांकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए मिलकर भक्ति रस फेसबुक चैनल पर हम लाइव हो रहे हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ लाइव है। संजीव शर्मा जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये मुझे अवसर प्रदान किया, भक्ति रस फेसबुक पेज पर मुझे इन्वाइट किया। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए उस प्रभु शरण में चलते हैं, उसका गुणगान करते हैं, क्योंकि कलयुग में केवल एक नाम ही है जिसे हम पार हो सकते हैं। तो आइए बिल्कुल प्रभु शरण में चलते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा, सदा भवानी दाहिने सन्मुख होत गणे, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महे। कर्ता करे न कर सके गुरु के सब मोय, सात दीप नो खंड में गुरु से बड़ा न हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मे श्री गुरुवे नमः। जानकी वल्लभ लाडले हे प्यारे हनुमान, आई के आसन ग्रहण करो तो हे पुनि पुनि करो प्रणाम। राग रंग जानो नहीं और ना जानो सुरतार, मीरा प्रेम दीवानी एक जाने गिरधर राम। और मुकुट कटकानी कर मुरली गलवान, या शवि मोरे मन बसे सदा बिहारी लाल। तो ये मिलकर गुरु शरण में चलते हैं और गुरु जी से क्या प्रार्थना करते हैं। सदके में जावा, वारी में जावा, सदके में
दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो हम अमृतसर जाने वाली सड़क पर खड़े हो जाएंगे और किसी से पूछेंगे, भाई ये रास्ता क्या दिल्ली जाता है? तो वो आपको बोलेगा, ये रास्ता दिल्ली नहीं जाता, ये रास्ता अमृतसर जाता है। चलो आप इस राह पर आए गए हो तो वो आपको बताएगा, इधर से इधर मुड़ जाओ, इधर से इधर मुड़ जाओ, तो दिल्ली आ जाएगा, पर दिल्ली बहुत दूर हो जाएगा। और अगर आपको पता चल जाए कि सीधा चंडीगढ़ से जिरपुर से सीधा अम्बाला और अम्बाला से सीधा अपने दिल्ली पहुंच जाना है, तो वो रास्ता कौन बताएगा? वो वही बताएगा जो जानता होगा। तो दिल्ली जाने के लिए रास्ता तो हमें कोई जानकार बता देगा, पर हमारी मंजिल जहाँ से हम आए हैं वहाँ तक है, वहाँ पहुँचने के लिए गुरुजन हमारी सहायता करेंगे। तो जब हम गुरु शरण में चले जाएंगे तो गुरु का सन्निधि हमें प्राप्त हो जाएगा, तो हम जिस तक भी देखेंगे हमें वो गुरु नजर आएंगे, क्योंकि भक्ति पार गुरु ने लगाना है। तो क्या कहना है? जिस पासे मेरी नजर को मावा वो जांदा दर्शन तेरा, वो जांदा दर्शन तेरा, रूप रंग भी सुर ताल बिच देखे तेनो मन मेरा, देखे तेनो मन मेरा, रज रज तेरिया, रज रज तेरिया, सिफता गावा जदों गुरु जी तुहाडे बल वेखा, जदों गुरु जी तुहाडे बल वेखा, सदके में जावा वारी में जावा, तुहानू गुरु जी जद जद वेखा, तुहानू गुरु जी जद जद वेखा। बोलिए मेरे सतगुरु देव महाराज की जय। तो आइए मिलकर सभी बांके बिहारी की शरण में जाना चाहेंगे और उससे कहेंगे, हे हे बिहारी जी, हे ठाकुर जी, जल्दी से सब पहले जैसा कर दो ताकि तुम्हारे दरबार में हम जल्दी से आए। तो मिलकर कहना है, हे गोविंद सब ठीक करो, हमें वृंदावन में आना है। मिलकर उसी को पुकार करते हैं कि जल्दी से सब ठीक कर दे, इस करुणा नाम की बीमारी को दूर कर दे, ताकि जल्दी से सब कुछ खुल सके और दौड़े दौड़े हम भागे भागे वृंदावन जाए और ठाकुर के दर्शन करें। तो जो भी दर्शन करना चाहता है ठाकुर का, तो मेरे साथ इस भजन को जरूर गाना है और राधे राधे लिखते जाना है, क्योंकि बिहारी जी अपने नाम से कुछ नहीं होते। एक बार आप राधा कह दोगे तो 100 बार कन्हैया का नाम हो जाएगा। तो आइए उस राधा नाम का संकीर्तन करते हैं और मिलकर ठाकुर जी से क्या प्रार्थना करनी है। हे गोविंद सब ठीक करो, हमें वृंदावन में आना है। तो मिलकर प्रार्थना कीजिए मेरे साथ गाइए, हे गोविंद सब ठीक करो, हमें वृंदावन में आना है। करनी है दो बातें तुमसे, करनी है दो बातें तुमसे, फिर से दर्शन पाना है। हे गोविंद सब ठीक करो, हमें वृंदावन में आना है। हे राधे सब ठीक करो, हमें बरसाने में आना है। जो हालात हुए हैं जग के, ये न किसी ने सोचा था। कभी पता नहीं था कि जिंदगी में ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं ठाकुर, तुमने दुख भी दिए हैं तो सुख भी तुम ही देने वाले हो। तो आइए उसी से पुकार करते हो, क्या करना? जो हालात हुए हैं जग के, ये न किसी ने सोचा था। मौत के इस अजीब से डरने ना जीवन को नोचा था। आकर इसका खत्म करो, अब बचने ये तुमको निभाना
हे गोविंद सब ठीक करो, हमें वृंदावन में आना है। हे राधे सब ठीक करो, हमें बरसाने में आना है। वृंदावन की कुंज गली मुझे याद बड़ी ही आती है। जिसको वृंदावन की वो गली याद आ रही है तो राधे राधे जरूर लिखते रहिए पेज पर और गाते रहिए साथ में। क्या कहना है? वृंदावन की कुंज गली मुझे याद बड़ी ही आती है, तुमसे मिलने की चाह मेरे दिल को आज तड़पाती है। नम है आँखी दिल है सोना, नम है आँखी दिल है सोना, ऐसे ना चल पाना है। हे गोविंद सब ठीक करो, हमें वृंदावन में आना है। हे माधव सब ठीक करो, हमें बरसाने में आना है। हे राधे सब ठीक करो, हमें वृंदावन में आना है। हे राधे सब ठीक करो, हमें वृंदावन में आना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। बोलिए उसी की शरण में चलते हैं और मिलकर उससे प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? कोई कह रहा कि महल बनाऊंगा मैं, और कोई कह रहा शहंशाह बन जाऊंगा मैं, पर कोई ना जाने इस जीवन की क्या औकात है। अरे चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, बहाना आदमी का है, देने वाला तो वही देता है। कर देने पे आए तो ढेरों के ढेर लगा देता है, और कर लेने पे आए तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। आरजू है के पाक हो जाऊं, जा दे के भी हलाक हो जाऊं, इसी उम्मीद पे बैठी है तेरे दर पे कि तेरे चरणों की खाक हम हो जाएं। तो जरा दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ आपने बोला और क्या कहना है? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। कुछ पाने की खातिर तेरे दर, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे हम भी झोली फैलाए हुए हैं। जहाँ झोली सभी की है भरती, जहाँ झोली सभी की है भरती, इसलिए दर पे आए हुए हैं। छिपाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली धोरी, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे दर, तूने सब कुछ जहां में बनाया, चांद तारे जमी आसमां भी, चांद तारे जमी आसमां भी,
चलते फिरते ओ चलते फिरते ही माटी के पुतले ओ चलते फिरते ही माटी के पुतले ओ तूने कैसे सजाए हुए हैं तूने कैसे सजाए हुए हैं कुछ पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली ओ जहाँ झोली सभी की है भरती इसलिए दर पे आए हुए हैं कुछ पाने की खातिर तेरे दर ओ गुनाहगार कितना भी कोई हिसाब मांगा ना तुमने किसी से हिसाब मांगा क्योंकि उसने हमें अपनी औलाद समझ रखा है उसने हमें अपनी औलाद समझ रखा है जब कोई बच्चा गलती करता है तो माँ बाप उसको क्षमा कर देते हैं ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं हम गलतियों का पुतला है वो हमारी गलतियों को क्षमा करते जाते हैं और क्या कहते हैं हो गुनाहगार कितना भी कोई हिसाब मांगा ना तुमने किसी से हिसाब मांगा तुमने औलाद हो तुमने औलाद अपनी समझ कर सबके अवगुण मिटाए हुए तूने औलाद अपनी समझ कर सबके अवगुण छिपाए हुए चलते फिरते ये माटी के पुतले हो तूने कैसे सजाए हुए कुछ पाने की खातिर तेरे दर कुछ पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं यहाँ झोली सभी की है भरती इसलिए दर पे आए हुए पाने की खातिर तेरे दर बोलिए बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय और देखिए हमारे सभी कार्य जो हैं उस प्रभु के कहने से होते हैं तो आइए एक बार उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से मेरे सब काम हो रहे हैं जैसे हो रहे हैं वैसे आगे भी होते हैं आपकी कृपा से सब काम हो रहा है जिसका भी कार्य हो रहा है तो राधे राधे जरूर लिखना है क्योंकि राधा नाम लिखोगे तो बिहारी की कृपा अपने आप कर देगी प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है हरि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है हरि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है परिवार के बिना है
तुम कृष्ण बन के आए, तुम कृष्ण बन के आए, जग में बना सुनामा, एक बार एक सेठ जी मंदिर में बैठते हैं और प्रभु से प्रश्न कर बैठते हैं कि प्रभु जी, मैं जब भी मंदिर में बैठता हूँ, पूजा करता हूँ, मंदिर में बैठता हूँ, पूजा करता हूँ, मेरा ध्यान नहीं लगता और मुझे लगता ही नहीं कि आप मेरे साथ, मैं क्या करूँ? ठाकुर जी सेठ जी को स्वप्न में दर्शन देते और कहते हैं कि क्या तुम सैर करने जाते? सेठ जी बोला जी सैर करने जाता। ठाकुर जी ने बोला सुबह सैर करने जाना और देखना तुम्हारे दो पैरों के आगे दो पैर, जो आगे वाले दो पैर होंगे वो मेरे होंगे। सेठ जी सुबह जल्दी उठते हैं और सैर के लिए निकल पड़ते हैं और क्या देखते हैं कि उनके दो पैरों के आगे दो पैर होते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि प्रभु मेरे साथ। और ठाकुर हमसे मांगते भी क्या दो चीजें, एक श्रद्धा और एक विश्वास, एक श्रद्धा और एक विश्वास। तो सेठ जी को विश्वास हो जाता है कि प्रभु मेरे साथ है और कहते हैं कि जीवन में दुख और सुख आने जाने, एक बार सेठ जी पे दुख की घड़ी आ जाती है उनका सारा बिजनेस स्टॉप कर जाता है। जब सारा बिजनेस चला जाता है तो रुपया पैसा रिश्तेदार मित्रगण सब साथ छोड़ते हैं। और ठाकुर जी थोड़े दिन घर में रहते हैं और एक दिन सोचते हैं कि उन्हें सैर करके आऊं, तो सैर के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि दो पैर भी नहीं, अब क्या हुआ? अश्रु धार बह रही है और मन से विश्वास चला गया कि ठाकुर ने मेरा साथ नहीं दिया, कहा कुछ नहीं और सुख दोबारा। जब सुख दोबारा आए, रुपया पैसा मित्रगण रिश्तेदार सब आ गए, तो सेठ जी सैर करके सीधा मंदिर में आकर बैठ जाते हैं, प्रभु से प्रश्न कर ही बैठते हैं कि प्रभु ये तुम्हारी कैसी माया है, हमने तो सुना था कि तुम दुख में साथ देते हो, मेरे ऊपर दुख की घड़ी आई और तुम भाग खड़े हो। तो ठाकुर जी ने सेठ जी को रात को स्वप्न में फिर दर्शन दिए और कहा कि जब तुम्हारे ऊपर दुख की घड़ी आई थी तुम कहाँ खड़े होने के काबिल थे, तुम झूल रहे थे, मैंने तुम्हें गोदी में उठा रखा था और जो दो पैर गायब थे वो मेरे नहीं वो तुम्हारे, तो आई तूफान और आंधियों में संभालने वाले उस ठाकुर का मिलकर सभी ने धन्यवाद करना है और क्या कहना है। तूफानी आंधियों में तूने हमें संभाला, तुम कृष्ण बन के आए, जब मैं बना सुनामा, तेरी कृपा ये मुझ पर, तेरी कृपा ये मुझ पर पल पल बरस रही है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हरि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बिहारी भी खोल दो अपने मंदिर का गेट,
खोल दो, ओ खोल दो, ओ खोल दो बिहारी की, खोल दो अपने मंदिर का गेट। तेरे दर्शन को है आना, फूल श्रद्धा के चढ़ाना, तेरे दर्शन को है आना, फूल श्रद्धा के चढ़ाना, तेरी करुणा की कब से कर दे। ओ खोल दो, ओ खोल दो, सभी मिलकर प्रार्थना करो। बिहारी जी जल्दी से रोना को भी मारो, देवो ओ इसके रोना को भी मारो, जान हमारी तुम बचा लो, चरणों से हमें लगा लो, कर दो कृपा है गिरदारी, तू है दाता मैं भिखारी। देवो ओ दे दो तुमसे मिलन की दे, ओ खोल दो, ओ खोल दो, ओ खोल दो बिहारी की, खोल दो अपने मंदिर का गे, खोल दो बिहारी की, खोल दो अपने मंदिर का गेट, खोल दो बिहारी जी, खोल दो अपने मंदिर का गेट। तेरे दर्शन को है आना, फूल श्रद्धा के चढ़ाना, और तेरी करुणा की कब से करवे। खोल दो, ओ खोल दो, खोल दो बिहारी जी, खोल दो अपने मंदिर का गेट। तो आई ठाकुर के चरणों में हाजिरी लगाई, तो एक मीरा के चरणों में हाजिरी लगाती है, और क्या कहना है, मीरा भाई क्या कहती है, काका तब स्तन खाइयो, मेरो चुन चुन खाइयो मां, पर दोने ना मत खाइयो, शाम मिलन किया खुसरो बाजी प्रेम की, मैं तो खेलू पी के संग, और जीत गई तो पिया मेरे, हारी तो पी के संग। तो जिसम भी मेरा और पट भी मेरा, क्या कहने, तिलक सब चीनी मुझे नैना मिलाइए, चाप तिलक सब चीनी मुझे नैना मिलाइए, नैना मिलाइए नैनन में आइए, नैना मिलाइए नैनन में आइए, चाप तिलक सब चीनी मुझे नैना मिलाइए, नैना 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 तोरे नैना, नैना 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 तोरे गजरारे नैना, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाइए, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाइए। हो मेरे शाम की उठी अटरिया मोसे चढ़ी उतरो ना जाए, कन्हैया मोसे चढ़ी उतरो ना जाए, अरे कह दो मेरे कन्हैया से मेरी पाँव पकड़ ले जाए, सखी मेरी पाँव पकड़ ले जाए। कृष्ण कन्हैया पे बारी बारी जाओ, कृष्ण कन्हैया पे बारी बारी जाओ, बारी 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 जाओ, मोहे सुहागन की मुझे नैना मिलाइए, छाप तिलक सब चीनी मुझे नैना मिलाइए, नैना मिलाइए नैनन में आइए, नैना मिलाइए नैनन में आइए, छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिलाइए, नैना 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 तोरे नैना, नैना 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 तोरे नैना, नैना 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 तोरे नैना, नैना 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 तोरे नैना, छाप तिलक सब चीनी मुझे नैना मिलाइए। तो एक बार राधा की शरण में चलते हैं, क्या कहना है, वो बिन पिए नशा हो जाता
बार राधा का नाम ले देगा तो 100 बार कन्हैया का नाम हो जाएगा। तो मिलकर राधे राधे सभी भक्तजन दिखते रहे और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जो हमारे साथ इस पेज पर जुड़े हैं। सभी भक्तों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और एक बार पुनः राधा नाम संकीर्तन में जुड़ते हैं और राधा की शरण में चलते हैं। क्या कहें हमारे
ते मेरा
ते मेरा जे तू जो मीट लेगा कलकतिया ते मेरा जे तू जो गीत लेगा। बोलिए पौना हरी दी जय। कहते नहीं कि रंग नाम का चढ़िया सही होगी मेहनती मानी ये यूट्यूब से सुषमा शर्मा के नाम से सर्च करके इस भेट को सुन सकते हो। रंग नाम का चढ़िया सही होगी मैं दीवानी मां की चरणा की हाजिरी लगानी है और की कहना मां जयकारा श्रावण दीदा बोल सांचे दरबार की जय। मां मेरी सचियां जोता वाली माता जी थोड़ी सदा बोल सांचे दरबार की रे। उरंग नाम उरंग नाम द चढ़ियाए सियो हो गई मैं दीवानी। रंग नाम द चढ़ियाए सियो हो गई मैं दीवानी। जग झूठा लगदा ए ओ जग झूठा लगदा ए सच्ची लगदी मात भवानी। उरंग नाम ज चढ़िया सियो हो गई मैं दीवानी। उरंग नाम ज चढ़िया सियो हो गई मैं दीवानी। जग झूठा लगदा है जग झूठा लगदा है सच्ची लगदी मात भवानी। उरंग नाम ज चढ़िया सियो हो गई मैं दीवानी हो गई मैं मस्तानी हो गई मैं दीवानी हो गई मैं मस्तानी हो गई। उरंग नाम ज चढ़िया नाम हो गई मैं दीवानी। जिस रंग दे विच तारा रंगी ओ रंग लगदा प्यारा ओ रंग लगदा प्यारा। ओ जिस रंग दे विच तारा रंगी ओ रंग लगदा प्यारा ओ रंग लगदा प्यारा। रुकमण वचो तरमो रंगिया तानू लवे नजारा तानू लवे नजारा। श्री तरबी रंगिया पलकों का घर तैयार
प्यार सांवरे, मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे, आंखों के अश्रुअन जल से तेरे चरणों पखारूंगा मैं, आंखों के अश्रुअन जल से तेरे चरण पखारूंगा मैं, पलकों की कंघी से तेरे बाल संवारूंगा मैं, पलकों की कंघी से तेरे बाल संवारूंगा मैं, मौका सेवा का दे, मौका सेवा का दे एक बार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे, महलों जैसे ठाट नहीं घर देखने तो आओ। भक्त बाबा जी कह रहा है कि प्रभु मेरा घर महलों जैसा तो नहीं है, पर ऐसा भी है कि उसने तुम्हें मैं ठहरा सकूं, इतनी भी जो तुमने थोड़ी बहुत तो बात मुझे दी है कि मैं तेरी थोड़ी सी सेवा कर पाऊं। महलों जैसे ठाट नहीं घर देखने तो आओ, रहना ना चाहो कम से कम आज माने तो आओ, मोहित दिल से करे मनोहार सांवरे, भक्त दिल से करे मनोहार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे। सांवरे तू आ तो सही, मैं अपनी पलकों कर परपल को बैठा लूंगा, तुम एक बार बस आ जाओ। तो एकादशी की सभी भक्तों को हार्दिक हार्दिक बधाई हो, और भक्ति रस ये एफबी पे चैनल है, दिन दुगनी रात चौगुनी की तरक्की करे, और संजीव भाई को एक बार फिर से पुण्य में शुक्रिया अदा उनका करती, और सभी भक्त हैं जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनका दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और प्रभु से कहती हूँ कि आज जो भी संकीर्तन में हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी प्रभु उनकी मन में इच्छा हो उसको पूर्ण करना, और इस कोरोना नाम की बीमारी से हम सबको जल्दी से इस विश्व को जल्दी से निजात दिलाओ प्रभु, सबको सबकी झोलियां सुखों से भर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार।